फेराडेज लॉ या फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडेज का फर्स्ट लॉ ये बोल समझाता है, वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, जब जब उस किसी भी कॉइल का या कंडक्टर का फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी सर्किट में। तो जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें चेंज होगी, तब तब उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट होनी बंद हो जाएगी। सिंपल है। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना भी यही है कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, ईएमएफ जनरेट होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। तो ये फेराडेज का फर्स्ट लॉ है। और ये भी कह रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग, तब तक ईएमएफ जनरेट होती रहेगी जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता रहेगा, कॉन्टिन्यू। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज होता रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड टूवर्ड्स अ कॉइल, मान लो एक कॉइल है और एक मैग्नेट इसकी तरफ मूव करता हुआ आ रहा है। जब मैग्नेट इसकी तरफ मूव करता आएगा तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लगाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से क्रॉस करेगा या मैग्नेटिक फील्ड इसका बढ़ेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड इसका बढ़ेगा, इसका फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेट इसके पास आ रहा है, इसका फ्लक्स बढ़ेगा। जब इसका फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें ईएमएफ या करंट जनरेट हो जाएगा। और अगर मैग्नेट को रोक लूँ, मैं अगर रोक लेता हूँ, अब रोकने में क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन तो अभी भी क्रॉस कर रही है पर वो चेंज नहीं होंगी इसमें, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ। चेंज जरूरी है, या तो मैग्नेट को पास लेके आओ या मैग्नेट को दूर लेके जाओ, या मैग्नेट के पास कॉइल को लेके आओ या मैग्नेट से दूर कॉइल को लेके जाओ, देयर मस्ट बी सम रिलेटिव मोशन, तो फ्लक्स चेंज माना जाएगा, तो करंट इसमें जनरेट होगा, नहीं तो करंट जनरेट नहीं होगा। तो फेराडेज का फर्स्ट लॉ सबको क्लियर है, ठीक। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर घूम रहे, जब तक वो घूम रहे इसका फ्लक्स चेंज होगा, ये घूमना बंद हो जाएगा, फ्लक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट फ्लक्स में ईएमएफ जनरेट नहीं होती। तो जब तक इसका फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक इसमें करंट जनरेट रहेगा। तो क्लियर है यहाँ तक?